हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं इस समय अपने एक फ्रेंड की गाड़ी में हूँ, उनका नाम सिद्धार्थ है। थोड़े कैमरा शाही हैं, वो सिर्फ बोलेंगे तो आपको सिर्फ आवाज़ नहीं देगी। तो ये कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू है, टाटा निक्सॉन पेट्रोल 1200 सीसी ऑटोमेटिक। हाँ जी सिद्धार्थ जी, तो आपने ये गाड़ी कब ली है? ये ली है अक्टूबर में। अक्टूबर लास्ट ईयर? लास्ट ईयर, यस। और कितनी रनिंग हो चुकी है अभी तक आपकी? 2857। तो ज़्यादा रनिंग तो नहीं है आपकी? नहीं। अच्छा, और माइलेज का क्या है? माइलेज इसका अराउंड 12 किलोमीटर्स है। अराउंड 12, ये सिटी का बता रहे हैं? सिटी का। बाहर मतलब मैक्सिमम इसका मुझे मिला है 13 समथिंग, जब मैं बाहर गुड़गांव ट्रैवल कर रहा था। अभी मतलब बेसिकली आप लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे ट्रैफिक कम हो वहाँ पे नहीं गए? नहीं गए, यस। तो वो वाली माइलेज आपको अभी नहीं पता होगी? नहीं पता चल। ठीक है, अभी के हिसाब से आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी की आपको पसंद है? पसंद बेसिकली गाड़ी का बिल्ड थोड़ा स्ट्रांग है। Obviously, टाटा है तो बिल्ड तो स्ट्रांग हो गई होगा। Yes. और फिर म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा लगा मुझे इसका। अच्छा, और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस कितना है? इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 209 है, विच इज मतलब सबसे ज्यादा है। टाटा सफारी से भी ऊपर है ये? यस, टाटा सफारी का 205 है, इसका 209 है। कमाल है, मेरे को तो पता ही नहीं था ये बात। दिस इज न्यू टू मी। तो मतलब आपको कोई भी बम्पी ड्राइव था, आपको पता नहीं लगती ज़्यादा? नहीं, विच इज़ नाइस। थोड़ा जैसे ये जेट वर्जन है तो इसकी सीट्स थोड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। सेकंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। वेंटिलेटेड सीट्स ही हैं इसकी। ये क्या टॉप एंड मॉडल है? ये टॉप एंड मॉडल है, जेट वेरिएशन है इसका। अच्छा, टॉप एंड में तो आपको सभी चीज मिल ही जाती है। तो आपके अंदर ये, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स हैं और ये ओवेरा, ये यहाँ पे, ये ना मेरे को टाटा की सब गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम देता है ये। इतना दूर जाके इन्होंने ये बना रखा है, ये मतलब ये इससे बंद क्लोज होता है ना ये, मतलब yes, नीचे आप प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा। और अच्छा ऐसे? यस, yes, नीचे नीचे उसको प्रेस। समझ गया। और फिर से नीचे करूँगा फिर खुल जाएगा? यस, yes. मतलब थोड़ा यूजर फ्रेंडलीनेस कम है, कम मतलब है। यहाँ पे अगर ये होता तो इट वुड हैव बीन इजी, मतलब मेरे हिसाब से। यस, इन जनरल, क्योंकि मैंने एक पहले टाटा सफारी का भी किया था, तो मेरे ख्याल सबके साथ ही ये है कि यहीं पे देते हैं ये लोग। आई डोंट नो द रीजन व्हाई, बट इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट टू गो हेयर एंड देन डू इट। और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी में तो कोई वो होगा नहीं, बिल्ड क्वालिटी तो अरे वेरी गुड, रोड अच्छी आ गई हमारे मतलब की। इसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा? नहीं सीरियसली, तो गड्ढे मतलब अच्छा बड़ा गड्ढा था वो, तो पता नहीं लगा बिल्कुल भी। ये तो बहुत अच्छी चीज देखी है, मतलब इट इज बेटर देन सफारी टू बी ऑनेस्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सफारी चलाई है, सस्पेंशन वाइज इट इज बेटर देन सफारी, इट इज गुड। और इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें लैग फील करते हो आप? हाँ, इसमें जैसे कभी रिवर्स लेना है अर्जेंटली तो कभी कभी लैग आता है। अर्जेंटली मतलब? मतलब आप ड्राइव कर रहे हो बीच में, हाँ, और आपको एकदम से लगा कि आपको रिवर्स लेना है। अच्छा, तो ड्राइव करके आप स्टॉप करोगे और रिवर्स लोगे तो थोड़ा लैग है वहाँ पे। ट्राई करके देखें एक बारी? यस, ट्राई करके। ये तो वैसे भी मेरे को एक झटका सा क्यों आया मेरे को? गियर शिफ्ट हुआ होगा। अच्छा, गियर शिफ्ट में आपको झटका आता है? थोड़ा सा लगता है। ओके, यस, ये लैग है। और प्लस कभी कभी हैंग भी कर जाता है ये। हैंग मतलब? हैंग मतलब दो या तीन सेकंड के लिए ना ये रुक जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि रिवर्स रुक क्या जाएगा, मतलब ये स्क्रीन डिस्प्ले भी, और ये बीप करेगा। जैसे अभी ये ऑटोमेटिक में है, तो जैसे मैं इसका रिवर्स करूंगा तो ये कभी कभी थोड़ा, तो आपने तीन चार सेकंड के लिए दिखाया है अभी? हाँ, ये दिखाया है। और जैसे मतलब उन्होंने चेक किया है तो उनके हिसाब से कोई कंसर्न नहीं है इसमें, थोड़ा सा लैग रहता ही है। थोड़ा सा लैग रहता ही है। तो गाइज, मैं एक बार वो चेक करना चाहता हूँ कि रिवर्स में जो लैग आ रहा है वो कैसा है। तो गाड़ी मेरी अभी 50 की स्पीड पर चल रही है, मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ और ओए, ये तो रिवर्स में है, ये आगे क्यों जा रही है? ये न्यूट्रल है, यही लैग है इसमें, जैसे रिवर्स में है ये और ये न्यूट्रल दिखा रहा है अभी। दिखाना जरा, ये अभी तक न्यूट्रल दिखा रहा है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जबकि ये इस समय रिवर्स में है।
ये रिवर्स है और ये ऐसे चलता रहेगा या अपने आप हो जाएगा रिवर्स? नहीं, इसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब जाके गाइस ये रिवर्स में आया है, पर ये तो बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ है यार। ओ अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको पावर अप करके करने की कोशिश करता हूँ। ये अभी सिटी मोड में चल रही है? यस, बाय डिफॉल्ट ये सिटी मोड में आ जाती है जब आप स्टार्ट करोगे, देन यू कैन चेंज टू इको और स्पोर्ट्स मोड। इसके अंदर मतलब गियर शिफ्ट पता लगता है? yes. और ये चल रही है आपकी भी सिटी मोड में, इसको अगर मैं मतलब मोशन के अंदर वो कर सकता हूँ? यस, स्पोर्ट के अंदर yes. ऐसे घुमा दूँ? हाँ हाँ। अच्छा, इकोनॉमी, इकोनॉमी और सिटी में क्या फर्क है? इकोनॉमी में जैसे मतलब माइलेज का फर्क पड़ता है। अच्छा। और स्पीड भी कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है मतलब ये कम पावर लेती है? हाँ, कम पावर लेती है। अच्छा, तो मतलब इसे आपकी एवरेज अच्छी होने के? एवरेज ओके, अच्छी। ब्रेकिंग तो ठीक है, इसमें साइड डिस्क ब्रेक्स है? नहीं, पीछे की ड्रम है। पीछे की ड्रम है। चलो मैं यहाँ पे ना इसको स्पोर्ट्स मोड में चला के देखता हूँ। स्पोर्ट्स मोड के अंदर एकदम फील आया मेरे को, पर ये थोड़ा सा अनोइंग है। मतलब आप ऑटोमेटिक लेते हैं, एक जर्क आता है ना, थोड़ा सा अनकंफर्ट, आपको डिस्कम्फर्ट फील करता है आपको ये? सिटी के अंदर करता है जब ट्रैफिक होता है तब। हाँ, कि थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तब जर्क करके जर्क। अच्छा, इसके हॉर्न के अंदर भी इशू है कुछ? यस, ये थोड़ा हार्ड है हॉर्न। हाँ, मतलब मेरे को काफी प्रेस करना पड़ा टू एक्चुअली अप्लाई द हॉर्न। हॉर्न केस में ना लेफ्ट और राइट साइड में भी आपको ये है बटन्स, बट ये वाला बज नहीं रहा। यस, वो थोड़ा सा हार्ड है। हाँ, मतलब यहाँ से फिर भी कन्वीनियंट है। हाँ, बट अगेन मतलब इट इज नॉट दैट सॉफ्ट कि मैं एकदम हॉर्न बजाना चाहूँ तो मैं बजा लूँ। और इसके अलावा आपको क्या चीज अच्छी लगती है इस गाड़ी की? पीछे स्पेस कितनी है? ठीक है, स्पेस अच्छी खासी है, 350 लीटर्स का है बूट स्पेस। बूट स्पेस अच्छा, और मोस्टली जैसे पीछे वाली सीट से वो फुल्ली आप क्लोज कर सकते हो। अच्छा। ताकि कुछ अगर हेवी सामान हो आप वो रख सकते हो। तो ये लेवल अप हो जाती है या ऊपर नीचे रहता है? थोड़ा ऊपर नीचे है वो। अच्छा, और जो जो पीछे की जो सीटिंग है उसके अंदर तीन लोग बैठ पाते हैं या दो ही, दो के लिए कंफर्टेबल है? तीन लोग आराम से बैठ जाते हैं। तीन लोग बैठ जाते हैं आराम से? अच्छा, मतलब आपने ट्राई करा हुआ है या आप अपने? ट्राई मतलब एक बार बैठे थे तो कंफर्टेबली बैठे थे। और इसके अलावा आपको क्या खामियां लगती हैं अपनी गाड़ी के अंदर, मतलब जो आप कहोगे कि यार ये चीज जो है वो ठीक हो सकती थी? मतलब इफ यू स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी तो आपको ये सब चीज या तो मिलनी चाहिए या ये सब चीज अच्छी होनी चाहिए। जैसे गियर का जो ट्रांसमिशन है वो मुझे बेटर चाहिए था। हाँ, तो वहाँ पे कोई इशू है क्या? उस इशू नहीं है, बट दिखने में सही नहीं लगता है। मतलब फिनिशिंग वहाँ पे और बेटर हो सकती थी। अच्छा, मतलब पेंट फिनिश? पेंट फिनिश हो गया। ऑनेस्टली मेरे को आई फील इट बेटर टू बी बेटर देन टाटा सफारी। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने टाटा सफारी चलाई है एंड इट इज मोर कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो ऊंची है पर इसके अंदर मेरे को बॉडी रोल फील नहीं हो रहा। पीछे बॉडी रोल फील हो रहा है तुम्हें? थोड़ा इतना नहीं है ना? नहीं है। हाँ, तो बॉडी रोल भी इतना नहीं है। मतलब कंफर्ट वाइज आई फाइंड इट टू बी वेरी गुड। देखो टाटा की गाड़ियों में ज्यादा इतना ज्यादा बिलीफ नहीं है सही बोलूँ तो, बिकॉज दे आर मेंट टू बी लाइक अ रफ एंड टफ का, और कंफर्ट पे वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे। बट ये गाड़ी चला के मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, बहुत अच्छे से इन्होंने कम्फर्ट के ऊपर ध्यान दिया है। No doubt. थोड़े से टीदिंग इश्यूज हैं जैसे कि ये हॉर्न है और ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडलीनेस होना चाहिए था इसके अंदर। और इसका ऑनेस्टली मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपकी गाड़ी का जो लग रहा है वो इसे एएमटी का है। एएमटी का, यस। मतलब बाकी सब आई स्टिल कॉस्मेटिक जो इश्यूज हैं, ये जो चीज है जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अच्छा करती है और बुरा करती है। अगर आप तेज गाड़ी चलाना चाहते हो तो आप को वो फील नहीं आएगा,
ऑनेस्टली यस, बट मोस्टली अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो आपको जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा फील नहीं होगा। अच्छा ऐसा है? हाँ चलो देख लेते हैं एक बार। सही कह रहे हो आप, है लैग है पर इतना नहीं है जितना सिटी में या इको में चल रहे हैं हम लोग। अच्छा ये आपको गाड़ी कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये अप्रोक्सीमेटली 15 लाख में पड़ी है। 15? यस। अच्छा और ये टॉप एंड मॉडल राइट? यस ये टॉप एंड मॉडल है। अच्छा हाँ, इसके अंदर ऑटो स्टार्ट की फैसिलिटी भी है, मतलब ऑटो स्टार्ट एज इन मतलब जैसे गाड़ी अगर आइडल कंडीशन में है तो वो स्टॉप हो जाए? नहीं। अच्छा वो नहीं है? वो नहीं है। कंफर्टेबल तो है गाड़ी, मतलब मैं ऑलमोस्ट ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 80 और 90 तो कंफर्टेबल है। लेट मी जस्ट अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिव। उस मामले में तो अच्छा है, रिस्पॉन्स इसका अच्छा है। आप एक चीज और बता रहे थे कि आप प्रेफर करते हो स्पोर्ट्स मोड में चलाना ड्यूरिंग द ट्रैफिक टाइम आल्सो, ऐसा क्यों? इसमें जैसे इको और जो सिटी मोड है उसमें थोड़ा लैग है ट्रांसमिशन में, तो इन केस अगर हमें एक्सेलेरेट करना पड़ता है ना तो वो जर्क ज्यादा हो जाता है और वो भागती है आगे गाड़ी थोड़ा। अच्छा मतलब जब तक वैसे लैग रहेगा हाँ। लेकिन जैसे ही वो उस पोजीशन में आएगा कि गाड़ी भागने वाली है क्योंकि आप जो है एक्सेलेरेट ज्यादा कर रहे होगे उस समय। यस यस। और स्पोर्ट्स मोड में हमें ज्यादा एक्सेलेरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो ब्रेक पे से पैर हटाते से ही थोड़ी आगे अपने आप चले जाती है, तो उसे कोई। हाँ इसका एसी मैंने वो बोलना भूल गया, इसका एसी मतलब अभी तो खैर टेम्परेचर इतना ज्यादा है नहीं, ये बाहर का टेम्परेचर है 36 डिग्री में, मतलब अभी मेरे ख्याल ये कितना चल रहा है, बहुत लाइट चल रहा है ना, मतलब कम चल रहा है। ये है 24 पे था। नहीं मतलब अभी स्पीड जो है स्पीड हाँ अभी नंबर 2 या 3 पे चल रहा है। ओके हाँ, तो उसके हिसाब से इसके पीछे वेंट है? हाँ पीछे भी वेंट है। तो कूलिंग इसकी अच्छी है। अच्छा इसका एक चीज मैं नोट करी है कि इसका म्यूजिक मतलब जो कंसोल है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ये काफी छोटा है, आजकल इतने छोटे तो बहुत ही छोटा है ये, बेली ये तो 8 इंच का लग रहा है मेरे को। 7 इंच का है ये। 7 इंच का है तो बहुत ही छोटा है, मतलब ये अभी भी ऐसे आ रहे हैं कि अभी कुछ चेंजेस आ गए नेक्सॉन के अंदर? नेक्सॉन के अंदर अभी तो ऐसे ही आ रहे हैं। ऐसे ही आ रहे हैं। लेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक लैंप्स। इसके अंदर क्या मतलब लाइट जो है वो सफिशिएंट है रात को, या आपको लगता है कि चेंज करानी चाहिए? नहीं लाइट सफिशिएंट है इसमें। व्हाइट लाइट्स हैं या येलो लाइट्स? येलो लाइट्स हैं। अच्छा तो आपके हिसाब से आप रेकमेंड करेंगे कि ये गाड़ी और लोग लें या इसके इससे बेटर भी और गाड़ियां हैं उसी प्राइस रेंज में? जो प्राइस रेंज में जैसे 15 लाख के अंदर हाँ। आपको इसमें मोस्टली सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छा। तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा। अच्छा दूसरों को लेने के लिए गाड़ी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद रिगार्ड्स टू सर्विस? अभी तक सर्विस हुई है इसकी? इसकी 2 सर्विस हो चुकी है, दोनों अच्छा। फ्री सर्विस थी और रिस्पॉन्स अच्छा था, मतलब यू आर हैप्पी विद द कस्टमर? यस यस। और जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे उस टाइम पे आपके दिमाग में और भी गाड़ियां चल रही थी, आपने और भी गाड़ियों को देखा था या यू सिंपली वांटेड टू बाय टाटा नेक्सॉन? एसयूवी देखी थी, लेने का। अच्छा बट बेसिक नीड मेरी इसमें सेटिस्फाई हो रही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैंने और ज्यादा स्पेंड करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मतलब Why to spend more? मतलब अगर आपको उसी या उससे थोड़ी कम फैसिलिटीज आपको नीची गाड़ी में मिल रही हो, मतलब I totally agree to that. तो guys जैसा हमने आज टाटा नेक्सॉन का रिव्यू किया है, बाकी सब चीज़ सब ठीक है, बट एक बहुत बड़ा मेजर फ्लो है जो मैंने आपको दिखाया भी है कि अगर सडनली आप अगर गाड़ी चला रहे हैं स्पीड पे एंड देन यू हैव टू रिवर्स योर कार इमीडिएटली, और ये खासकर तब हो सकता है जब आप
पहाड़ों पे चल रहे हो जहां पे आप आगे जा रहे हो और सामने से कोई आ जाए ना, आपको रिवर्स करना पड़े, तो आपकी गाड़ी जो है वो हैंग कर जाती है। मतलब वो रिवर्स में गियर में होने के बाद भी वो न्यूट्रल में चली जाती है और आपको दोबारा से उसको पहले न्यूट्रल में लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वापस आप रिवर्स कर सकते हो। इट इज़ अ मेजर फ्लॉ फ्रॉम टाटा। मतलब टाटा को इसके बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि इसको कैसे इसको रिजॉल्व कर सके। तो गाइज बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। इसका बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ही डीप है, आराम से आप काफ़ी सामान रख सकते हैं इसके अंदर। और ये इसका वायरलेस चार्जर है जो कि यहाँ पे है। इसका जो हैंड रेस्ट है देखने में बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट ये स्लाइडर नहीं है, एक ही पोजीशन पे है। स्पेस वाइज भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, जस्ट बिकॉज इन्होंने यहाँ पे अपना वायरलेस चार्जर बना रखा है, पर देखने में बहुत ही एलिगेंट है, नो डाउट। और एक बारी मैं आपको वो इशू भी दिखा देता हूँ जो कि सिद्धार्थ बोल रहे थे कि फिनिशिंग का जो इशू है वो भी देख लेते हैं। तो गाइज जो फिनिशिंग की बात कर रहे थे, ये बटन है, हाँ, तो कहाँ पे है वो फिनिशिंग का? अच्छा ये है वो, तो ये है वो फिनिशिंग का। ये तो मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, आपने ये दिखाया था ये, हाँ, तो वो ये कह रहे हैं ये बोल रहे हैं कि वो सारी गाड़ियों में ऐसा ही आ रहा है। सारी गाड़ी में ऐसे आ रहा है, ये इनका वो है, तो अब ये ठीक नहीं करके देंगे, ये सारी गाड़ियों में ऐसा ही आ रहा है। बट दिस इज़ रिडिकुलस यार, मतलब ये क्या फिनिशिंग दी है आप लोगों ने? मतलब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो आप, बट दिस इज़ वेरी अनोइंग ऑनेस्टली। मतलब कुछ एक चीज़ें हैं जो कि नॉट अप टू द मार्क है। एक बारी मैं इसका बूट भी देख लेता हूँ गाइज। इसके मतलब फिनिशिंग का काफ़ी मेजर इशू है। मतलब यार ये सब गाड़ियों में ऐसा है? ऑलमोस्ट सब में। ये ऑलमोस्ट क्या होता है, ये तो होगा या नहीं होना चाहिए। ये है भैया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑल टू ऑल। पटना पटना यार, मेरे को वेट देखना है। अच्छा छोड़ दो। हाँ, इसका वेट काफ़ी है, इसका वेट उतना ही है जितना स्लाविया स्लाविया का है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही है, पर सफारी का इतना नहीं है। अच्छा, सफारी का वो माइलेज की इसमें उन्होंने कम किया होगा। गाइस इसका थर्ड भी चेक कर लेते हैं। थर्ड तो अच्छा है, नो डाउट, मतलब हैवी हैं दरवाजे। और इसका एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, मतलब ओपन भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री है आगे वाला, मतलब एटलीस्ट 80 डिग्री तो लग ही रहा है मेरे को कि जिसके अंदर आप आराम से अंदर बाहर कर सकते हो। सो वो एक अच्छी चीज़ है। सीट्स भी जो हैं वो काफ़ी ऊंची हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। आपको व्यू भी जो है वो सामने का रोड व्यू भी अच्छे क्लैरिटी मिलती है, आपको सामने से बोनट भी दिख रहा होगा। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से कुछ मेजर इश्यूज हैं जो कि टाटा को देखने चाहिए, बट बिसाइड्स दैट मेरे को गाड़ी चलाने वाइज बहुत अच्छी लगी है।